नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 2022 में भी 2017 की तरह चुनाव नतीजे दोहराए जाएंगे। पार्टी ने इसके लिए पूरी तरह से कमर कस ली है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश में मंथन में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के दौरे पर यूपी पहुंचेंगे और अपने दो दिवसीय यूपी दौरे के दौरान अमित शाह सूबे की चुनावी नब्ज टटोलेंगे। पीएम मोदी ने पूर्वांचल में चुनावी अभियान को धार दिया तो अमित शाह अवध के इलाकों में बीजेपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद करेंगे। अमित शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगे जहाँ वो दिन में डेरा जमा कर पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह पार्टी की चुनावी तैयारियों को की भी समीक्षा करेंगे। ऐसे में अमित शाह अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान संगठन के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों से मिलकर पूरे प्रदेश का फीडबैक भी लेंगे। इस बार फोकस सामाजिक समरसता पर होगी और ऐसे में अमित शाह सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और सबसे ज्यादा फोकस पिछड़ों और दलितों को पार्टी से जोड़ने पर रहेगा। ऐसे में यूपी चुनाव से ठीक पहले अमित शाह के दौरे को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम भी माना जा रहा है। सूबे में बीजेपी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी, राजनीतिक गठजोड़ और बहुजन समाज पार्टी के बागी नेताओं को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में जुटी हुई है। किसान आंदोलन से लेकर लखीमपुर की घटना से बीजेपी के राजनीतिक समीकरण के बिगड़ने का खतरा भी दिख रहा है, जिसके चलते बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और ऐसे में अब एक के बाद बड़े बड़े नेता यूपी का दौरा कर रहे हैं। कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में महामारी एक्ट लागू हो गया था। यूपी में कोरोना काल के दौरान नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने खूब सख्ती बरती और यूपी में पुलिस ने कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर झमाझम मुकदमे भी दर्ज किए, लेकिन अब प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुहाने पर आ चुका है। ऐसे में यूपी सरकार ने कोरोना काल के दौरान महामारी एक्ट के तहत दर्ज 3 लाख से ज्यादा मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि वर्तमान और भूतपूर्व संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत दर्ज मामले फिलहाल वापस नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में महामारी एक्ट के तहत करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से कई मामलों में विधिक कार्रवाई चार्जशीट तक पहुंच चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि महामारी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 2 साल तक कैद की सजा और जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। साथ ही पिछले दिनों ही यूपी सरकार ने महामारी एक्ट के तहत दर्ज मामले वापस लेने का ऐलान किया था। ऐसे में यूपी सरकार के इस आदेश को कुछ ही महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो यानी कि अब ये यूपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है और वापस कोरोना काल में जो दर्ज 3 लाख मुकदमे थे उन्हें वापस लेने का ये फैसला कर लिया गया है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई और ऐसे में पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का केस लड़ा। इस केस की सुनवाई बुधवार यानी कि आज भी जारी रहेगी। ऐसे में कोर्ट में एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों ने जोरदार दलीलें दी। एनसीबी ने जहां आर्यन खान को बेल मिलने का पुरजोर विरोध किया तो वहीं मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। आर्यन खान की जमानत पर आज भी सुनवाई खत्म कल की सुनवाई खत्म हुई लेकिन आज एक बार फिर से ये सुनवाई होगी और ऐसे में बेल की अर्जी पर बुधवार को फिर से ये सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कल 2:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई हुई थी, शुरू हुई थी और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आज कल ही उन्हें बेल मिल जाए, लेकिन आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। और ऐसे में आपको बता दें कि मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी है। इस केस में 2 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार हुए दोनों लोगों के खिलाफ
पहले ही आरोपी हैं और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज है। आपको बता दें दोनों उड़ीसा के रहने वाले हैं और आरोपी अविंद शाह को कोर्ट से जमानत दे दी गई है। वहीं मनीष की बात करें तो उन्हें भी बेल मिल चुकी है। ऐसे में राजगढ़िया के पास से एनसीबी को 2 ग्राम से ज्यादा गांजा बरामद हुआ था, लेकिन अब आज आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। कल सुनवाई पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए बीच में रोक दिया गया था, जिसके बाद आज ये सुनवाई पूरी होगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शायद आज आर्यन खान को जमानत मिल सकती है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की सियासत में आज अपने अगले कदम के बारे में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जी हां, बुधवार को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि इस मौके पर वो अरूसा आलम और बीएसएफ और कृषि कानून जैसे गंभीर मुद्दों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। उनकी इस घोषणा से पंजाब कांग्रेस में काफी हलचल तेज हो गई है। आलाकमान सहित कई दिग्गजों ने विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और इस कैप्टन के करीबी सांसद जसबीर सिंह डिंपा ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि कैप्टन की नई पार्टी के नाम में कांग्रेस का नाम शामिल होगा। जिस प्रकार ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई है, उसी प्रकार से कैप्टन भी अपनी पार्टी के नाम में कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल करने वाली है। बताया जा रहा है कि नई पार्टी के गठन के मौके पर 10 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक भी कैप्टन के साथ मंच साझा करेंगे, जिसमें उनकी पत्नी सांसद परनीत कौर भी शामिल हो सकती हैं। तो ऐसे में यानी कि बीते दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो खबरें आ रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, तो शायद वो दिन आ चुका है। आज कैप्टन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया गया है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज वो अपनी नई पार्टी का भी ऐलान कर सकते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव परिवर्तन यात्रा लेकर प्रदेश विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की अलख जगा रहे हैं। मथुरा से फरुखाबाद होते हुए परिवर्तन रथ यात्रा शाहजहांपुर पहुंची, जहां पर शिवपाल यादव का जबरदस्त स्वागत किया गया। शहर के कई स्थानों पर शिवपाल की परिवर्तन यात्रा निकाली जरूर, लेकिन जन समर्थन की माने तो उतना नहीं मिल पाया जितना उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन कर 300 सीटों पर चुनाव जीतेगी, और कहना आसान है लेकिन शिवपाल खुद जानते हैं कि कितना मुश्किल ऐलान है ये। चाचा भतीजे की लड़ाई में पहले ही समाजवादी पार्टी 2 गुटों में विभाजित हो चुकी है। ऐसे में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पास प्रदेश के कुछ जनपदों को छोड़कर बाकी स्थानों पर जन समर्थन नहीं है। ऐसी स्थिति में शिवपाल यादव को परिवर्तन रथ यात्रा लेकर ही निकलना पड़ रहा है। परिवर्तन रथ हमारा चला है ये मथुरा से, कृष्ण जन्मभूमि से, और वहीं पर बाकी बिहारी से आशीर्वाद लिया है, वहीं पूजा पाठ करके निकले हैं। अब वहाँ से चल कर के दर्जनों जिले तो हमने कल मिले हैं और आज यहाँ पर हम आ गए हैं शाहजहांपुर। अब यहाँ से बरेली से मुरादाबाद से हम लोग और फिर आगे और बढ़ेंगे। लगातार ये हमारी यात्रा 75 जिलों में जाएगी।
भारतीय किसान यूनियन बेदी ने 6 सूत्रे मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा और ज्ञापन में मांग की गई कि तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द वापस हो जाएं और एमएसपी की गारंटी का कानून पारित कराया जाए। बेमौसम हुई बारिश से किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनको सरकार द्वारा मुआवजा भी दिलाया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि रबी की फसल की बुआई का समय चल रहा है और उसके लिए खाद का जो संकट पैदा हो चुका है उसको भी दूर कराया जाए और जमाखोरी पर लगाम लगाया जाए और साथ ही लखीमपुर खीरी में हुई घटना में शहीद हुए किसानों का स्मारक बनाया जाए। साथ ही लखीमपुर खीरी के मुख्य आरोपी के पिता को पद से हटाया जाए और उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। तो सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन ने 6 सूत्रीय मांगों का ये ज्ञापन सौंपा है उप जिलाधिकारी को। राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन है, इसमें कई मांगे रखी हैं। तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की मांग रखी गई है, साथ ही एमएसपी की गारंटी की मांग रखी गई है और साथ ही लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए उनके स्मारक बनाए जाए ये मांग भी रखी गई और लखीमपुर खीरी के जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा उनके पिता को अजय मिश्रा को पद से हटाया जाए, ये वो तमाम मांगे हैं जो भारतीय किसान यूनियन ने सौंपी हैं अपने ज्ञापन में। विषय यही था जो हमारे तीन काले कानूने वापस हों और जो लखीमपुर खीरी में घटना घटित हुई थी अजय मिश्रा टेनी के पुत्र की वजह से, और उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया अजय मिश्रा पुत्र को, लेकिन मंत्री जी अभी जेल में नहीं गए और ना उनको बर्खास्त किया गया। इसके उसमें हमने ज्ञापन दिया कि उनको बर्खास्त किया जाए और जेल में किया जाए। अगला कदम रणनीति बनाई जाएगी, अगर मांग पूरी नहीं होती जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान होगा उस पर अमल किया जाएगा। आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें मेन 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया है हमने, उसमें मुख्य मांग तो हमारी जो 3 कृषि काले कानून पारित किए गए हैं उनको जल्द वापस लिया जाए। दूसरा ज्ञापन मतलब जो दूसरा सूत्र है उसमें जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी उसमें जो मुख्य आरोपी था उसके पिता को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, और एक बेमौसम बारिश जो हुई है उससे किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उस पर सरकार द्वारा मुआवजा दिलाया जाए। सपा की परिवर्तन यात्रा मेठी पहुंची, जहां पर महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने मुसाफिर खाना में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें जनसभा को संबोधित करते हुए अबू आजमी ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज पुलिस के लोग नमस्ते नहीं करते, जय हिंद बोलते हैं। 2014 में सीमेंट के दाम 135 रुपये थे लेकिन 6 साल बाद 410 रुपये हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि चाचा भतीजा साथ रहें। तो ऐसे में लगातार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और सपा लगातार परिवर्तन यात्रा कर रही है। ऐसे में सपा की परिवर्तन यात्रा अमेठी पहुंची, जहां पर सपा के महाराष्ट्र से प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 में जहां सीमेंट के दाम 135 रुपये थे लेकिन 6 साल बाद अब 410 रुपये पर पहुंच गए हैं और आज के समय में पुलिस का जो रवैया है वो भी बेहद खराब है और हम चाहते हैं कि चाचा भतीजा हमेशा साथ रहें। तो आपको बता दें सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ये निशाना साधा है, बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है और ऐसे में अमेठी में ये सपा की परिवर्तन यात्रा पहुंची है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चुनावी मैदान में काम किया जा रहा है और ऐसे में पूरी कमर कस चुकी है सभी पार्टियां। इस बार कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी मैदान में सिर्फ और सिर्फ सपा और बीजेपी ही नजर आ रहे हैं। इसको लेकर परिवर्तन यात्रा सपा की तरफ से निकाली जा रही है, लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है ताकि विधानसभा चुनाव में इस बार सपा की सरकार बने और ऐसे में चुनावी वादे लोगों से किए जा रहे हैं, जनता से वादे किए जा रहे हैं और ऐसे में परिवर्तन यात्रा तो निकाली जा रही है। साथ ही ये परिवर्तन यात्रा अमेठी पहुंची है, जहां पर अमेठी में सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
मौजूदा मीडिया चापलूस है, जो नहीं होता वो दिखाती, जो होता नहीं दिखाती। और आपकी गलती नहीं है, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपके मलिकार जो बैठे हैं ऊपर दिल्ली में, वो सब कलवे चाटते हैं, वो ये सब ये दिखा रहे हैं। वो घबरा गए समाजवादी पार्टी से, अब आम जनता के बीच में ला रहे हैं कि कांग्रेस। अरे कांग्रेस की कोई हवा ही नहीं है। कांग्रेस बिहार में जा कर के बर्बाद कर दिया, कांग्रेस बंगाल में गई एक सीट चुन के नहीं आई। कांग्रेस की हालत देश में दिन ब दिन बदतर होती आ रही है। आज अपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है, और ऐसा पटकेगी बीजेपी को ना कि भक्ति से इनकी बाहर आ जाएगी। घबराए हैं हमें, अब ये अपनी मीटिंगों में पुलिस वालों को भी कपड़ा बदलवा के भेज रहे हैं। मुझे मालूम है, मुझे पुलिस वाले ने कहा, आसिम भाई आज मैं बनारस में जा रहा हूँ मीटिंग में, मैं तो समाजवादी वाला हूँ लेकिन नौकरी करता हूँ, तो मुझे सिविल ड्रेस में भेजा गया भीड़ लगाने के लिए। ये हो रहा है, कितना भी लगा लो भीड़ बेटा, अब तो जाना तय तुम्हारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार को भारत के स्वदेश निर्मित कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने के लिए अंतिम लाभ जोखिम मूल्यांकन करने के वास्ते भारत बायोटेक से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा है। तकनीकी सलाहकार समूह अब अंतिम मूल्यांकन के लिए 3 नवम्बर को बैठक करेगा, और ऐसे में कोवैक्सीन को विकसित करने वाली हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने टीके को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने के लिए 19 अप्रैल को WHO को EOI प्रस्तुत की थी। और ऐसे में तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार को भारत के स्वदेशी टीके को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने के लिए कोवैक्सीन के आंकड़ों की समीक्षा करने के लिए बैठक की थी। समूह को निर्माता से यह स्पष्टीकरण इस सप्ताह के अंत तक मिलने की संभावना है, जिस पर 3 नवम्बर को बैठक करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में WHO ने कहा कि तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार की बैठक की और ऐसे में फैसला लिया कि टीके के वैश्विक उपयोग के मद्देनजर अंतिम लाभ जोखिम मूल्यांकन के वास्ते निर्माता से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे जाने की जरूरत है। तो ऐसे में WHO ने और जानकारी मांगी है। आपको बता दें कोवैक्सीन को लेकर WHO की मान्यता का इंतजार किया जा रहा है, और ऐसे में अब ये इंतजार थोड़ा और करना होगा। हालांकि कल मंगलवार को WHO की बैठक हुई थी, जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि कोवैक्सीन को विश्व स्तर पर मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसे में अभी ये मंजूरी नहीं मिली है और जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा गया है कंपनी की तरफ से। अब अगला फैसला जो होगा वो 3 नवम्बर को WHO की जो बैठक होगी उसमें अगला फैसला लिया जाएगा। बलरामपुर जिले के सभी विकास खंडों से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 10-10 मेधावी छात्र छात्राओं और विविध छात्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त विभूतियों का अभिनंदन समारोह शक्ति स्मारक स्थान दुल्खीपुर में मुख्य अतिथि सांसद केसरगंज अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ के अतिथि के तौर पर किया गया। और ऐसे में इस कार्यक्रम में सांसद ने मेधावी छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। सभी अतिथियों से सम्मान पाकर सभी विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सांसद ने कहा कि जो मेहनत करते हैं उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। जीवन में सफल होने के लिए सबसे आवश्यक है कि लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्मारक के साथ मेहनत भी करें। तो ऐसे में आपको बता दें बलरामपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर विकास खंड के 10-10 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ऐसे में वहां पर सांसद भी पहुंचे, जिन्होंने ये पूरा छात्रों को सम्मानित किया है। तो बलरामपुर में विकास खंड से 10-10 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें सांसद ने ये सम्मान दिया है छात्रों को, और ऐसे में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें छात्रों को सम्मानित तो किया ही गया। ऐसे में सम्मान मिलने के बाद छात्रों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। आपको बता दें कि छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। सभी अतिथियों से सम्मान पाकर सभी छात्रों के चेहरों पर खुशी भी नजर आई। ऐसे में सांसद ने कहा कि जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता मिलती है, और सफलता प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें सकारात्मक के साथ मेहनत भी करनी चाहिए।
तो बलरामपुर में आपको बता दें विकास खंड से 10-10 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है और ऐसे में कई छात्रों को सम्मानित तो किया ही गया, साथ ही सम्मान पाकर सभी छात्रों के चेहरों पर खुशी भी देखने को मिली है। बस्ती जिले में स्वनिधि दीप उत्सव आने वाली 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक एपीएन डिग्री कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी सौम्य अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिवाली मेले का पोस्टर लॉन्च किया। जिलाधिकारी सौम्य अग्रवाल ने कहा कि बस्ती जनपद का पौराणिक महत्व है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है और साहित्य और कला के क्षेत्र में ये अनेकों उपलब्धियों को समेटे हुए है। इस अवसर पर उन्होंने जनपद वासियों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या इसमें लोग भाग ले और इसका आयोजन को सफल बनाए। इस दीप उत्सव में बता दें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना MSE और जनपद के उत्पाद डूडा और NRLM का स्वयं सहायता समूह, खादी ग्रामोद्योग, मिशन शक्ति आजादी का अमृत महोत्सव, चौरी चौरा शताब्दी समारोह, शताब्दी समारोह और अन्य सरकारी समारोह के अंतर्गत प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। तो ऐसे में बस्ती में दीप उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। आपको बता दें ये दीप उत्सव आने वाली 28 अक्टूबर यानी कि कल से 3 नवंबर तक होने जा रहा है और ऐसे में जिलाधिकारी की तरफ से ये दीप उत्सव का पोस्टर भी लॉन्च कर दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है जिलाधिकारी की तरफ से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इस दीप उत्सव में शामिल होने की अपील भी की गई है ताकि इस आयोजन को सफल बना सकें। ये स्वनिधि दीपोत्सव जो है उसका आयोजन किया जा रहा है बस्ती जनपद में सरकार के निर्देशों पे और ये एक भव्य कार्यक्रम कराया जाएगा जिसके माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स एवं जो हम लोग के स्वयं सहायता समूह हैं एवं ऑडियो के प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा एवं जो जनपद बस्ती में विभिन्न टैलेंट्स हैं उनको भी निखारने का प्रयास किया जाएगा। क्या क्या प्रोग्राम्स हैं मैडम? कार्यक्रम में हम लोग जो कल्चरल साइड है जो कल्चरल साइड ऑफ द प्रोग्राम में हम लोग एक रामायण बैने होली नृत्य एवं जो अन्य दिन है उसमें हम लोग सोलो सिंगिंग, सोलो डांस कॉम्पिटिशन, ग्रुप सिंगिंग, ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन, डिबेट, फैंसी ड्रेस, फैशन शो इत्यादि कार्यक्रम्स का आयोजन किया है। अब अगले कुछ दिनों तक देश के दक्षिणी इलाकों को छोड़कर किसी भी राज्य में बारिश की संभावना ना के बराबर है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने देश से विदाई ले ली है, वहीं उत्तर पूर्वी मॉनसून की तमिलनाडु में आहट सुनाई देने लगी है और इसी मॉनसून की वजह से देश के दक्षिणी राज्यों में बारिश होती रहेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने बताया है कि शुरुआत में ये मॉनसून कमजोर रहेगा और 30 अक्टूबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और महीने में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के 29 और 30 अक्टूबर को जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में 28 से 30 अक्टूबर के बीच भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के पुनः अनुमान के मुताबिक केरल, माहे, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 30 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गरज चमक के साथ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी बादल बरसेंगे। अब दिव्यांग आसानी से विमान यात्रा कर सकेंगे। जी हाँ, इसके लिए नगर विमानन मंत्रालय ने गाइडलाइन का मसौदा तैयार किया है। आपको बता दें कि अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने पिछले सप्ताह इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट पर जांच के दौरान उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया था कि किस तरह अक्सर हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने कृत्रिम पैर हटाने के लिए कहते हैं। जो मसौदा तैयार किया गया है उसके मुताबिक दिव्यांग की गरिमा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट संचालकों को विशेष व्यवस्था करनी होगी। साथ ही कृत्रिम अंग की जांच के दौरान उसे हटाने की बजाय एक्सरे विस्फोटक का पता लगाने वाली डिवाइस से उसके अंदर की चीजों का पता लगाने की बात भी कही गई है। आपको बता दें गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति मेटल डिक्टेटर दरवाजे से गुजरता है तो उसके बाद उसे दूसरे स्थान पर ले जाकर आराम से बिठाया जाए और अगर कृत्रिम अंग ऐसा है कि जिसमें किसी भी तरह का फोम नहीं लगा है और स्टील रॉड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो इसे हटाए बिना ही जांच की जानी चाहिए। तो ऐसे में अब दिव्यांगों के लिए कोई भी हवाई यात्रा के दौरान परेशानी नहीं होगी, इसके लिए गाइडलाइन का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।